जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो हमने फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं इथानॉल को, इथानॉल हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, आज हमने इसकी स्टडी करनी है। तो मिथानॉल, जैसे कि आपको पता है हमने कल डिस्कस किया था इथानॉल के बारे में, तो इथानॉल इंडस्ट्रियल स्केल पे हमने विद डायग्राम के साथ देखा। आज हम इथानॉल की बात करते हैं कि इथानॉल किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा इथानॉल, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो इथानॉल है बेसिकली वो फर्मेंटेशन, बाई मीन्स ऑफ फर्मेंटेशन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। आप फर्मेंटेशन, आप कहते होंगे भाई क्या है फर्मेंटेशन, आपने बायो में तो पढ़ के आई है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ये, बायोकेमिकल्स एक बायोकेमिकल प्रोसीजर है ये फर्मेंटेशन। अब इसमें अगर फर्दर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन से, तो ये हम दो तरीके हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है रिएक्शन, जो कि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर कम होगा टेम्परेचर, मतलब इसकी प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए, ये प्रॉपर एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें 25 डिग्री से अगर कम होगा तो तब भी ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, ये प्रोसेस स्लो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर 37 से ज्यादा होता है तो ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस तब भी एक्सीड नहीं करेगा, मतलब दोनों कंडीशन में ये सूटेबल नहीं है, सिर्फ इसी टेम्परेचर पे 25 to 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में ये रिएक्शन जो है सूटेबल है। अब अगर फर्दर डिस्कस करें, ये फ्रॉम मोलेसिस से प्रिपेयर किया जाता है, फ्रॉम मोलेसिस। भाई अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे रो पीते हैं सब लोग ही गन्ने का जो जूस होता है, अगर उसको उससे जूस निकाल लिया जाए, पीछे जो छिलके बचते हैं वो मोलेसिस होते हैं। अब उससे किस तरह एक एथेनॉल का जो है वो किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे रिएक्शन है सी, जी भाई, C12H22O11 जी प्लस वाटर। इन द प्रोसेस ऑफ, जैसे कि फ्रॉम मोलेसिस से हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, इन इन द प्रोसेस ऑफ यीस्ट एंड एक एंजाइम यूज किया जाता है, यीस्ट एंड इनवर्टेस। इनवर्टेस बेसिकली इज एक एंजाइम है, एंजाइम की पहचान होती है उसके एंड में ASE आता है। तो यहाँ पे एंजाइम, इन द प्रोसेस ऑफ एंजाइम और यीस्ट जो है एक फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। भाई हम जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 + C6H12O6। बेटा यहाँ पे क्या होगा कि ये दो कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। जैसे कि स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। एक भाई टॉपिक हमारा हो गया भाई ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज फ्रुक्टोज। फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो जब ग्लूकोज में, जब ग्लूकोज की फर्दर जब हम जाइमेज एक मॉलिक्यूल है जो सॉरी एंजाइम है उसकी जब हम करवाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ, तो हमारे पास इथानॉल प्रिपेयर हो जाता है। अब हम फर्दर इसके रिएक्शन की तरफ देखते हैं, यीस्ट एंड जाइमेज। तो हमारे पास क्या आता है भाई, इथानॉल का मॉलिक्यूल। हाँ जी भाई, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक इथानॉल के दो मॉलिक्यूल इथानॉल के होते हैं, और यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट जो एवरेज है वो 10 to 12% है, 10 to 12%, जो कि ये वाला जो इथानॉल है बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इससे ज्यादा इसकी लिमिट एक्सीड कर जाती है तो वो हमारे पास ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे क्या होता है कि भाई ये जो इतना जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है, 10 to 12% जो आ रही है, ये सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अगर इससे ज्यादा अगर लिमिट हो जाती है तो वो इससे इंसान की डेथ हो जाती है। और बेसिकली मिथानॉल तो बिल्कुल भी नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि वो तो एक अगर कोई बाय चांस कोई गलती से मिस्टेकनली पी लेता है तो उससे क्या होती है कि भाई इंसान की फौरन से डेथ हो जाती है, वो ब्लाइंड हो जाता है, ब्लाइंड होके और बिल्कुल उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। वो एक तरह से जहर है मिथानॉल, लेकिन जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास है इथानॉल। अच्छा भाई, यहां से हमें पता चल गया
कि फ्रॉम मोलेसिस हम इथेनॉल को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास है स्टार्च, वो हम देख लेते हैं। जी भैया हमारे पास है फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च हाउ वी कैन प्रिपेयर इथेनॉल, ये हमने फर्दर डिस्कस करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास C6H10O5, यहाँ पे हमारे पास जो इंजाइम्स यूज हो रहे हैं डायस्टेज इंजाइम यूज किया जा रहा है, और इन द प्रोसेस ऑफ नंबर ऑफ एन जो है बेसिकली ज्यादा नंबर को शो कर रहा है वाटर के, और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के भी ज्यादा मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, नंबर्स को शो कर रहा है, तो इस वजह से इसका एन का इस्तेमाल है। यहाँ पे इन द प्रोसेस ऑफ यीस्ट और यहाँ पे एंजाइम चेंज होंगे डायस्टेज, डायस्टेज बेसिकली हमारे पास क्या है भाई एंजाइम है। एंजाइम अगर फर्दर देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है वो माल्टोज है। माल्टोज की बात हम करेंगे तो वो क्या है भाई एन C12H22O11 आई गेस यस, ये हमारे पास क्या है भाई ये माल्टोज का एक कंपाउंड बन जाता है। माल्टोज से फर्दर जब इन द प्रोसेस ऑफ वाटर हम मजीद इसकी जब इसका रिएक्शन होता है तो इन द प्रोसेस ऑफ वाटर H22O11 प्लस H2O N, तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है। ग्लूकोज का जो है मॉलिक्यूल C6H12O6 फर्दर इसकी इन द प्रोसेस ऑफ यीस्ट, जैसे कि यीस्ट बेसिकली क्या है अगर फर्स्ट करें जब हम किसी भी कंपाउंड को रख देते हैं किसी भी जैसे कि हमने मोलेसिस की बात की लास्ट टाइम जो हमने रिएक्शन इथेनॉल प्रिपेयर किया, अगर उन गन्ने के छिलकों को अगर किसी भी टब वगैरह में रख देते हैं तो बाद में उसकी एंजाइम की ब्रेकेज होती है। जैसे कि यीस्ट है वो अपनी रेप्लिकेशन करता है, बायो में जैसे आपने पढ़ते हुए आए हैं कि जो यीस्ट है वो अपनी रेप्लिकेशन करता है जिसकी वजह से वो क्या है उसकी फर्दर जो है रेप्लिकेशन हो जाती है और इथेनॉल के मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे इन द प्रोसेस ऑफ यीस्ट और एंजाइम यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं माल्टेज, यहाँ पे एंजाइम यूज किया जा रहा है और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या फर्क है तो आपको पता होना चाहिए, जो कैटलिस्ट भी बेसिकली स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को और एंजाइम भी स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, लेकिन एंजाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी में लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, एंजाइम बेसिकली हमारे बॉडी में होते हैं प्रेजेंट। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम वैसे भी यूज किए जा रहे हैं माल्टेज है। आगे फर्दर ग्लूकोज की एंजाइम एक्ट करेगा C6H12O6 जाइमेज एंड यीस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास इथेनॉल के दो प्रोडक्ट बन जाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड 2CH5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इथेनॉल जो है दो तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं फ्रॉम मोलेसिस एंड फ्रॉम स्टार्च। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।